हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। भर्तियों को लेकर क्या अपडेट है इसके बारे में जानेंगे। लेखपाल के अभ्यर्थियों की मेहनत सफल हुई, स्टे खत्म। लेखपाल के अभ्यर्थियों ने बहुत मेहनत की है, बहुत भागदौड़ की है, धरना पे धरना दिया है, लेकिन भारी संख्या में अभ्यर्थी पहुँचे हैं। हमेशा दो चार अभ्यर्थियों से कुछ नहीं होता है। अभ्यर्थियों ने मेहनत की, लगातार मेहनत की और अभ्यर्थियों की मेहनत सफल हुई। आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित 7,897 लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरण। योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा। दिनांक 10 जुलाई 2024। अब मुख्य सेविका की छात्राओं को एकजुट होना होगा, अपनी आवाज उठानी होगी, जिससे आपकी भर्ती जल्द से जल्द पूरी हो सके। तो दो चार छात्राओं से कुछ नहीं होगा, भारी संख्या में आप सभी को एकजुट होना होगा। मुख्य सेविका की जितनी भी छात्राएं हैं, सभी को सपोर्ट करना होगा। आयोग, विभाग, हर जगह आपको धरना प्रदर्शन करना है, अपनी बात को रखना है और सभी छात्राओं को सपोर्ट करना है। अब आपको देरी नहीं करनी है, आप सभी को जितने जल्दी हो सके, आप लोगों को प्लानिंग करनी होगी कब क्या करना है। सभी को एकजुट होना होगा, आयोग जाकर, विभाग जाकर अपनी बात को रखना होगा, जनता दरबार जाएं, सीएम से मुलाकात करिए, हर जगह मुलाकात करिए, अधिकारियों से, मंत्रियों से अपनी बात को रखिए, जिससे आपकी बात सुनी जाए, आपकी बात हर जगह पहुंचाई जाए और आपकी भर्ती जल्द से जल्द पूरी कराई जाए। तो इसके लिए सभी को सपोर्ट करना होगा। मुख्य सेविका की छात्राओं के लिए एक ग्रुप बनाया गया है, तो आप सभी छात्राएँ उस ग्रुप से जुड़ जाएँ। जो भी छात्राएँ उस ग्रुप में ऐड नहीं हैं तो आप जुड़ सकती हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी कोई अपडेट मिलेगी तो जल्द आपको सूचित किया जाएगा। धन्यवाद।